स्कूटर का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में वेस्पा अप्रैला का शोरूम का शुभारंभ हुआ। गायत्री मंदिर रोड सुदना में तिवारी ऑटो कॉन्सेप्ट शोरूम का उद्घाटन करने पहुंची महापौर अरुणा शंकर और उप महापौर राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में लगातार नए नए प्रतिष्ठानों के खुलने पर खुशी जताई। जहाँ एक तरफ शहर के विकास में बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का खुलना कारगर कदम बताया, वहीं रोजगार में बढ़ोतरी होने पर संतुष्टि भी जताई। वहीं प्रतिष्ठान के संचालक को बधाई भी दिया। अपने यहाँ के प्रोप्राइटर जो है वेस्पा अप्रैला के प्रोप्राइटर को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने शहर के विकास के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान किया है। लोगों को सहूलियत भी होगी और इस तरह से शहर का विकास हो रहा है, नए रोजगार खुल रहे हैं। एक कोई भी प्रतिष्ठान यदि खुलता है तो मिनिमम 25-50 लोगों को काम मिलता है। इस तरह से हमारे शहर में लोगों को काम, हाथों में काम मिल रहा है और शहर आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा, विकास हो रहा है। बहुत बधाई है ऐसे शोरूम का खुलना हमारे नगर निगम के लिए और विस्पा का। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी शोरूम है जिसके तहत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर वेस्पा की पहले थी वो आज तक भी चल रही है, तो हम मान सकते हैं कि वेस्पा की गाड़ी बहुत ही अच्छी रहती है और इनके सारे प्रोप्राइटर को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लंबे समय से कार्य कर रहे आनंद मोटर्स के जीएम प्रमोद श्रीवास्तव ऑटोमोबाइल के नए नए संस्थानों का खुलना शहर के लिए और शहरवासियों के लिए सौगात बताया। सबसे पहले हमारे आनंद भैया ने आनंद मोटर की स्थापना की और ऑटोमोबाइल की शुरुआत किया और ये ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि आज शहर में सारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबके डीलरशिप हमारे शहर में आ गया है और ये एक कारवा बनते जा रहा है जिससे पूरा शहर का जो मस्तक है ये पूरा ऊंचा हो चुका है और हमारे जो नगर निगम जो है आज नगर निगम जो है और जो बड़े बड़े शहरों के नगर निगम है उससे पूरा मुकाबला कर रहा है। तो हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं उस सबको हम धन्यवाद देते हैं और इस कड़ी में आज ये जो वेस्पा का नया जुड़ा इनको भी हम बधाई देते हैं कि ये भी हमारे साथ आज आ गए हैं और हम लोग सभी मिलकर आज एक नए रोजगार का सृजन कर रहे हैं। हमारे युवा लोग, उनको रोजगार भी मिल रहा है और उनको सुविधा भी मिल रहा है। वहीं शोरूम के संचालक ने बताया कि 1946 से ग्राहकों की पसंद बनी रही वेस्पा बेहतरीन फीचर के साथ अप्रैला के साथ मिलकर पुनः लॉन्च की गई है। गियरलेस स्कूटी में सुरक्षा के दृष्टिकोण और मजबूती के लिहाज से कई बदलाव भी किए गए हैं। और वेस्पा की कंपनी है, ठीक है, इसमें अभी वेस्पा के सारे मॉडल स्कूटी अवेलेबल है और इसमें सबसे खूबी ये है कि वेस्पा जो पहले स्टार्टिंग से 1946 से वेस्पा की स्कूटी चल रही है, ठीक है, उस वक्त से जो मजबूत थी वो अभी भी सेम थी। उस वक्त बस गियर था, ये गियरलेस जिस तरह मार्केट में अदर ब्रांड है, ठीक है, उसी तरह ये गियरलेस स्कूटी टाइप पे लाए थे, ठीक है। साथ में ये अपने साथ अप्रिलिया जो कि पूरा का पूरा बाइक है, गियरलेस बाइक, इसका हर एक चीज़ टॉर्क स्पीड पावर सॉकर टायर सारा कुछ बाइक वाला दिया हुआ है और वेस्पा फुल्ली मेटल बॉडी है और पूरा का पूरा एक ही मोनोकोक चेसिस का बना हुआ, कहीं कोई नट बोल्ट नहीं, ठीक है। आपको इस पर जैसे कि होता है क्या कि अगर जैसे क्राउड जगह पे चलते हैं या फिर डबल ट्रिपल लोड भी चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्कूटी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ती है। इसमें जो स्मूथनेस है वो पूरा का पूरा, आप ट्रिपल लोड या वेट ज़्यादा भी करते हैं तो पूरा का पूरा स्मूथ चलता है, ठीक है। आफ्टर 15 या 20 ईयर्स के बाद भी गाड़ी में कहीं से कोई साउंड नहीं आता है, जैसे होता है 6 मंथ 1 ईयर में ही गाड़ी में साउंड आ जाता है, इसमें वो चीज़ साउंड नहीं आता है।